Hello friends, my name is Dhruv Prajapati and welcome to my YouTube channel. तो आइए आज करते हैं छोटी सी विजिट आरएमसी प्लांट की और देखते हैं क्या क्या चीजें रहती है आरएमसी प्लांट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे है दो सिलॉस और सिलॉस की साइज वेरी करती है प्लांट की कैपेसिटी के हिसाब से। एक सिलो होता है सीमेंट के लिए और दूसरा है फ्लाई ऐश के लिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है सिलॉस के नीचे मोटर लगी हुई होती है और यहाँ पे अभी मोटर को वाइट प्लास्टिक से रैप किया हुआ है। ये मोटर पाइप में फिट किए हुए स्क्रू कन्वेयर बेल्ट को घुमाती है और स्क्रू कन्वेयर मटेरियल को ऊपर की तरफ बैचिंग प्लांट के मिक्सचर में ले जाता है। वैसे ओपीसी और पीपीसी सीमेंट के लिए अलग अलग सिलो होते हैं और यहाँ पे है तीसरा छोटा सिलो जो है पीपीसी के लिए और उसके आसपास सेट बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो सामने दिख रहा है एक बड़ा सा बकेट जो दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, जिसकी एक तरफ सैंड भरी जाती है और दूसरी तरफ एग्रीगेट। और साथ में आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे जेसीबी से सैंड लोड की जा रही है और इसी तरह दूसरी तरफ भी जेसीबी से एग्रीगेट लोड की जाती है। इन बकेट के नीचे गेट होता है और वहाँ से मटेरियल वेइंग कन्वेयर बेल्ट के ऊपर गिरता है और कन्वेयर बेल्ट मटेरियल को ऊपर की तरफ बैचिंग प्लांट के मिक्सर में ले जाता है। मिक्सर में सभी मटेरियल के साथ साथ तैयार की हुई मात्रा में पानी और कंक्रीट की जरूरत के हिसाब से एडमिक्सर भी ऐड किए जाते हैं। अभी मिक्सर में कंक्रीट तैयार हो चुका है और तैयार हुआ हुआ कंक्रीट सीधा ट्रांजिट मिक्सर में डाला जाता है और बाद में कंक्रीट को साइट पे जहाँ पे कास्टिंग हो रही है वहाँ ले जाया जाता है। तो आइए सबसे आखिर में मैं आपको विजिट कराता हूँ प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है प्लांट ऑपरेटर कैबिन। तो अंदर चलते हैं हम। ये है छोटा सा प्लांट का कैबिन जिसमें आप देख रहे हो सामने की तरफ लगा हुआ है कंट्रोल पैनल जो ऑपरेटर उसे कंट्रोल कर रहा है और जिससे पूरा प्लांट कंट्रोल होता है। और यहाँ पे एक रहता है छोटा सा प्रिंटर जो भी कंक्रीट बनता है उसके बैच रिपोर्ट निकालने के लिए। So guys, that's all for today. Thank you for watching Knock Knock Civil. Keep smiling, keep learning, and don't forget to like, share, and press subscribe button.